हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग अगेन गाइस। सो मैं अभी जा रहा हूँ सौरभ की तरफ क्योंकि मुझे इम्पल्स 200 का राइड लेना था और मेरा न्यू सेटअप देख सकते हैं। मेरा न्यू सेटअप से मैं आज पहली बार ही मोटो व्लॉग कर रहा हूँ। मेरा न्यू सेटअप में मैंने अपग्रेड किया है हीरो 8 ब्लैक। सो देख लो मेरा न्यू सेटअप और डायरेक्टली मिलते हैं इम्पल्स 200 के ऊपर में मतलब मोटो व्लॉग करते हुए। सो फाइनली गाइस जैसे कि देख सकते हैं अभी मैं चलाऊंगा इम्पल्स 200 BS6। तो चला के देखते हैं फील कैसा आता है और मैं बताता हूँ मैं जिसका टेस्ट राइड लेने के लिए क्यों आया हूँ और बाकी धीरे धीरे सब बताता हूँ। सो पहले कुछ थोड़ा सिनेमैटिक्स भी देख लो। सो गाइस अभी चला के देखते हैं कैसा फील आता है। सो मेरा जो मोटिव है मतलब मैं आज इसका टेस्ट राइड अचानक से क्यों लेने के लिए आया हूँ आप लोग भी यही सोच रहे होंगे ना। सो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने मतलब 2 महीने पहले हिमालयन का बुकिंग करवाया था। आपको मैं स्क्रीन में दिखा देता हूँ मतलब इस मंथ के अक्टूबर के 26 को मतलब मेरा 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुका है। 2 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद भी मेरा बाइक का भी मतलब कोई पता नहीं कब आएगा, कुछ भी पता नहीं। मैंने शोरूम वालों से बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की और वो बोलते हैं कि आएगा, जल्द ही आएगा। सो मैंने सोचा कि इस कैटेगरी में तो और कोई अच्छा बाइक है नहीं। सो मैंने सोचा कि इम्पल्स ही देख लेते। सो मैं इम्पल्स देखने के लिए आया था और सो अभी मुझे बाइक तो चलाने में बहुत ही लाइट वेट फील हो रहा है और बाकी मतलब ऐसा ठीक ठाक ही है। पर मैंने उस जब हिमालयन का टेस्ट राइड लिया था वहाँ पे मुझे एक चीज़ बस कमी महसूस हो रही है, वो थोड़ा सा पावर की कमी महसूस हो रही है और बाकी सब अच्छा ही है, हैंडलिंग भी अच्छा है। सो आगे और थोड़ा देखते हैं गाड़ी कैसा परफॉर्म करता है ब्रेक्स और थोड़ा घुमा के भी देखेंगे टर्निंग रेडियस। ऐसे तो मुझे बाइक बहुत अच्छा लग रहा है, सीटिंग कम्फर्ट भी बहुत ही अच्छा है और बाकी सभी चीज़ें देखेंगे धीरे धीरे। सो देखो सो बाइक के ब्रेक का बाइट्स भी बहुत ही अच्छा है। सो अभी देखते हैं थोड़ा यहाँ पे टर्न लेंगे, टर्न लेके फिर से दूसरी साइड जाएंगे और देखते हैं इसका टर्निंग रेडियस कैसा है। सो लो वेट, इसका टर्निंग रेडियस भी बहुत सही है, अच्छा है। बाइक जल्दी मैनूवर हो गया, जल्दी से इजीली मतलब कंट्रोल है बाइक। सो अभी मतलब थोड़ा पुल करके देखते हैं बाइक कैसा परफॉर्म करता है। सो लेट्स गो, पुल करते हैं बाइक को। सो गाइस आई डोंट नो व्हाई मुझे इस बाइक को पुल करने में मतलब 95 तक पहुंचाने में ही मुझे लग रहा है कि ये बाइक बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई बट मुझे लगता है ये BS6 इंजन की वजह से है और बाइक बहुत ही स्मूथ चल रहा है और BS6 में जो पावर फिगर्स है वो 16. इसका जो टॉर्क आउटपुट है वो 16.4 न्यूटन मीटर है एंड जो इसका पावर है वो शायद 17.8 BHP है। बट जो प्रीवियस मॉडल BS4 उसमें आपको 18.1 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क देखने को मिलता था उसमें और जो पावर है वो 17 समथिंग आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा। सो मैं स्क्रीन में आपको दिखा दूंगा कितना उसका पावर आउटपुट था BS4 का। Drove into the desert.
too hard. C-type to kiman? C-type to kiman? C-type to kiman?